हेलो एवरीवन, आज़ादा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास के स्विक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो है इक्वालिटी, अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम इस वीडियो में इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, एक जैसे। ठीक है, तो हमारी डेमोक्रेसी का ये की फीचर है इक्वालिटी। तो इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इक्वालिटी का, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, और क्या सच में इक्वालिटी हमारे इंडिया में है या नहीं है, उसके बारे में हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स इक्वालिटी टू ऑल द पीपल। इक्वालिटी इज़ द बेसिक फीचर ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इन इंडिया ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इक्वालिटी इज़ अमंग द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी। भारत एक लोकतंत्र देश है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकतंत्र। यहाँ पे लोगों के द्वारा क्या करते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। इक्वालिटी हमारी डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए मतलब उसका एक बेसिक फीचर है। हमारी गवर्नमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स की फंक्शनिंग होती है वो ये इसको इन्फ्लुएंस करती है, मतलब प्रभावित करती है इक्वालिटी। भारत में सभी लोग एक समान हैं कानून की नज़र में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगी कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इक्वालिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है जो कि भारत के सभी नागरिकों को सरकार ने दिया है। और इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। व्हेन वी डिस्कस अबाउट इक्वालिटी, सेवरल क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड। आर लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इक्वल टू दैट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग मजर एंड लग्जूरियस लाइफ। आर ऑल द पीपल ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी। कहते हैं कि जब हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि क्या हम सब सच में इक्वल हैं, क्या हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, हमारा लाइफस्टाइल जहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी क्या बिल्कुल सेम ही है, जैसे कि जो लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं हमारा और उनका लाइफस्टाइल क्या सेम है। तो यही सब जो क्वेश्चंस के आंसर हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखो इसकी कौन सी होती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। पॉलिटिकल इक्वालिटी कहता क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जब सारे लोग इक्वल होते हैं सरकार की नज़र में। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से हम सब क्या हैं, इक्वल हैं, एक जैसे हैं। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री प्रोवाइड्स एन इक्वल राइट टू कास्ट द वोट। भारत में सबको अधिकार है वोट डालने का, सबको। ऑल एडल्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच आर पुअर, आर अलाउड टू वोट। तो इंडिया में जितने भी एडल्ट्स हैं, ठीक है, एडल्ट मतलब 18 साल से जितने भी ऊपर के हैं लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों, या अनपढ़ ही हों, उनकी कोई भी कास्ट हो या वो रिच हों पुअर हों, इन सब से, इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको वोट डालने का समान अधिकार है। दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपने इसको याद रखना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, एनी अडल्ट हु इज़ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज आर मोर हैज़ द राइट टू कास्ट वोट। कोई भी अडल्ट जो 18 साल से ऊपर का है उसे क्या है, वोट डालने का हक है। ठीक है, और उसके साथ इस चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि वो अमीर है गरीब है। ठीक है, कोई अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी हो, इंडिया में जितने भी एडल्ट्स हैं 18 साल से ऊपर हैं, लड़का लड़की सभी क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
इट इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री वेदर ही और शी इज़ रिच आर पुअर हैज़ वन वोट. तो इस ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली बेस्ड है आइडिया ऑफ इक्वलिटी के, जिसमें बताया गया है कि देश में जितने भी एडल्ट हैं, चाहे लड़का या लड़की, अमीर गरीब, सब एक ही वोट डाल सकते हैं. ठीक है, सबको वोट डालने का अधिकार है और एक ही वोट डाल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि गरीब लोग एक ही वोट डालेंगे और अमीरों को हम चांस दे देंगे कि आप दो बार वोट डाल दो. नहीं, इवन कि पीएम भी दो बार वोट नहीं डाल सकता, एक ही वोट कास्ट कर सकते हैं. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ हाउस होल्ड वर्कर आर अ बिजनेस मैन. कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई कोई काम करने वाला हो, कोई घर पर काम करने वाला हो, जहाँ कोई बहुत बड़ा बिजनेस मैन हो. ठीक है, जिस लाइन में कोई नौकर सर्वेंट वगैरह लग के वोट डालेंगे, उसी ही लाइन में कोई बड़ा अमीर आदमी जैसे अंबानी जैसे भी हों, वो भी सेम ही लाइन में खड़े होकर वोट डालेंगे. दे बोथ स्टैंड इन द सेम क्यू व्हेन दे कास्ट द वोट ड्यूरिंग इलेक्शन. वही मैंने बता दिया आपको कि सेम ही लाइन में खड़े होकर क्या करेंगे, वोट डालेंगे इलेक्शन के टाइम पे. ऑल द पीपल हैव फ्रीडम टू कास्ट देयर वोट टू द कैंडिडेट ऑफ देयर ऑन चॉइस. सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से जिस कैंडिडेट को वो वोट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं. किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती. इन दैट वे पीपल इंजॉय पॉलिटिकल इक्वलिटी वेयर ऑल द पीपल आर इक्वल. तो इस तरह से लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इक्वलिटी इंजॉय करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, सभी लोग इक्वल हैं. ठीक है, तो ये है पॉलिटिकल इक्वलिटी. तो पॉलिटिकल इक्वलिटी में किसके बारे में बताया गया है कि हम सबको, जो भी 18 साल से ऊपर हैं, उन सबको वोट डालने का हक है बिना किसी भेदभाव के, और वो सिर्फ एक ही वोट डाल सकते हैं. यहाँ अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं है. तो पॉलिटिकल इक्वलिटी में हम सब क्या हैं, इक्वल हैं. नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक इक्वलिटी. अब इसमें देखो क्या हम सब इक्वल हैं. When we think about the economic status of all the citizens of our country, then we don't find equality in a real sense. कहते हैं कि जब हम अपने economic status के बारे में देखते हैं, हमारी country में जो citizens, जितने भी लोग रहते हैं, उनके economic status के बारे में देखते हैं, तो फिर हम ये चीज़ सोचते हैं कि क्या सच में हम equal हैं. इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स व्हेन ऑल द पीपल हैव इक्वल एसेस टू द अवेलेबल नेसेसरी रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डेली नीड्स ऑफ लाइवलीहुड. इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है कि जब सभी लोगों को एक समान, उनकी ज़रूरतों का समान मिले उनके जीवन को चलाने के लिए. ठीक है, कि उनके पास सारे रिसोर्सेज फुलफिल हैं, कि उनकी लाइवलीहुड जो है, जो उनका जीवन जो है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है, उनकी डेली लाइफ की जितनी भी नीड्स हैं वो सब पूरी हो रही हैं. पर ऐसा नहीं होता. When we look around us, we notice that most of the people of our country are living below the poverty line. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं, BPL कैटेगरी में आते हैं. BPL की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन. They don't have enough money even to fulfill their daily needs. Are these people are doing major jobs through which they can earn very small income. कहते कि इनके पास इतनी भी इनके पास ज़्यादा इतनी भी इनकम नहीं होती, इतने भी इनके पास पैसे नहीं होते कि ये अपनी डेली नीड्स को पूरा कर सकें, और ये बहुत छोटे जो काम होते हैं, छोटे मोटे जो जॉब्स होती हैं वो करते हैं, और इनमें उनमें इनको बहुत कम सैलरी मिलती है. दे आर नॉट एबल टू मेक दैम इक्वल विद अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी. तो अब ये लोग तो सोसाइटी के जो दूसरे लोग हैं उनके इक्वल नहीं हुए, तो फिर समान अधिकार कहाँ हुआ? इसको आप देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, सुशीला लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस. हर डॉटर इज सिक बट शी कांट टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर ड्यू टू लैक ऑफ मनी. इफ शी बोरोज मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर देन फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन इन एन ऑर्डनरी क्लिनिक. सुशीला एक औरत है जो कि एक स्लम एरिया में रहती है, और उसकी बेटी जो है बीमार हो गई है. क्यों? क्योंकि स्लम एरिया में बहुत गंदगी होती है, ड्रेनेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता. ठीक है, पानी जो वहाँ पे इकट्ठा रहता है. तो उसकी बेटी बीमार हो गई है. अब बेटी बीमार हो गई तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं जा पा रही. क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है. तो मान लो कि जैसे कि वो किसी के घर पे काम करती है, ठीक है, तो वहाँ से उसने किसी से पैसे उधार ले भी लिए हैं, अपने बॉस वगैरह से पैसे ले भी लिए हैं. तो उस कहता कि उसके बाद भी उसका पूरा दिन जो है वो, जैसे कि वो किसी ऑर्डिनरी क्लिनिक में चेकअप करवाने गई है, तो वहाँ पूरा दिन जो है उसका लाइन में ही गुजर जाता है.
क्योंकि लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पैसे देके आगे जाके डायरेक्ट अपना नंबर डलवा ले या आगे निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसे पूरा दिन क्या करना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बट इट डज़ नॉट हैपन विद द रिच पीपल बिकॉज दे हैव इनफ मनी टू कंसल्ट वेल नोन प्राइवेट डॉक्टर्स। पर उस कहता कि लेकिन यही सेम चीज़ जो है वो रिच पीपल के साथ नहीं होती। अगर उनके बच्चे बीमार हो जाते तो वो तो इस तरह से लाइन में नहीं खड़े रहते, वो क्या करते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाते हैं और वहाँ तो लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, वो सीधे प्राइवेट में जाके डॉक्टर को चेकअप करवा देते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसे होते हैं, उनको किसी लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है। सो इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ ट्रू सेंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो सही मायने में प्रेजेंट नहीं है, मतलब सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली सब जो हैं इक्वल हैं, नहीं। इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज़ डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। तो कहते हैं कि सुशीला जैसी बहुत सारी ऐसी पीपल लोग हैं इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे, जो कि जिनको वोट डालने का तो समान अधिकार है ही, वोट तो वो सबके जैसे अमीर लोग डाल रहे हैं वैसे वो भी डाल रही है, वोट डालने का अधिकार तो सबके जैसा ही है, लेकिन जो उसकी डेली की लिविंग है, जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, वो इक्वल से बहुत दूर है, वो कहता बराबर नहीं है। दीज पीपल आर इल ट्रीटेड बाई अदर मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी। और इन लोगों के साथ जो है इल ट्रीट किया जाता है, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए करते दूसरे जो मेम्बर्स होते हैं सोसाइटी के। तो ये हो गई इकोनॉमिक इक्वालिटी। नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी, ठीक है, सामाजिक जो तौर पे। सोशल इक्वालिटी मीन्स व्हेन पीपल बिलोंग टू एनी कास्ट रिलीजन क्रीड आर रेस आर ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी। तो सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब पीपल जो हैं जितने भी लोग हमारे सोसाइटी में रह रहे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, या रेस से हों, तो वो सब क्या हैं, इक्वल हैं सोसाइटी की नज़र में, ठीक है, समाज में सारे इक्वल हैं। बट सोशल इक्वालिटी इज़ ऑल्सो नॉट फाउंड इन ट्रू सेंस इन इंडिया, ठीक है। तो कहता कि बट सोशल इक्वालिटी जो है वो भी हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलती। इंडियन सोसाइटी जो है वो डिवाइड है बहुत सारी कास्ट्स में और रिलीजन्स में, बहुत ज़्यादा धर्म है यहाँ पे और कास्ट जो है, जाति जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इवन हिंदू रिलीजन इज़ डिवाइडेड इंटू फोर मेन कास्ट, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्या एंड शूद्रा। तो हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म जो है उसको भी चार मेन कास्ट में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण है, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, शूद्रा हैं। शेड्यूल कास्ट और शूद्राज आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ देयर लो स्टैंडर्ड वर्क। तो जो शूद्राज हैं जो एससी कास्ट में आते हैं, उनके साथ कहता है कि इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, क्यों, क्योंकि ये लो स्टैंडर्ड का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड दलित्स, इनको दलित भी बोला जाता है। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व। ये दलित जो टर्म है ये हायर सोसाइटी वाले, हायर कास्ट वाले क्या करते हैं, लोअर कास्ट वाले लोगों को एड्रेस करने के लिए, उनको उनका एक मतलब नाम बुलाने के लिए उनको क्या बोलते हैं, दलित, हाँ कि ये तो क्या है, ये तो दलित है, तो उनको इस नाम से एड्रेस करते हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटे हुए। तो कहते हैं कि उससे क्या करते हैं, उनको ये पॉइंट करते हैं कि देखो आप क्या हो, लोअर कास्ट वालों को ये बताते हैं कि आप ये हो और आप हमेशा से ऐसे ही रहोगे, कंटिन्यू भी ऐसे ही चलते रहोगे। तो ये कहता क्या है, उनके अगेंस्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दलित पीपल फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी एवरीवेयर सच एज इन स्कूल्स, इन टेम्पल्स, इन पब्लिक प्लेसेस एट्सेट्रा। दलित लोगों को हर जगह पे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी, स्कूलों में, मंदिरों में, पब्लिक प्लेसेस जो होते थे इनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। जो ब्राह्मण्स होते थे वो बोलते थे कि हम हायर कास्ट हैं तो मंदिर का जो भी काम होगा, पूजा वगैरह, वो हम करेंगे, ये तो दलित हैं ये लोग नहीं कर सकते। तो जो बेल्स वगैरह पे पानी लेने जाते थे कुएं पे, वो नहीं इनको लेने दिया जाता था, ठीक है, इनकी परछाई तक नहीं लेते थे लोग, ऐसा भेदभाव होता था पहले। ओम प्रकाश वाल्मीकि हु इज़ अ फेमस दलित राइटर हैज़ रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी बाय द नेम ऑफ जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे कि एक फेमस दलित राइटर थे, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था जूठन।
इन दैट बुक ही हैड डिस्क्राइब अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन मेड अगेंस्ट हिम बाय हिज स्कूल टीचर्स एंड हाउ ही वाज ऑर्डर टू स्वीप द स्कूल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग विद अदर क्लासमेट्स. उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उसके साथ भेदभाव होता था जब वो स्कूल में जाते थे, तो उसके टीचर उसे ऑर्डर देते थे कि तुम स्कूल को सॉल्व करो, तुम यहाँ पढ़ नहीं सकते, अपने दूसरे क्लासमेट की तरह पढ़ नहीं सकते, तुम तो दलित हो, तुम्हारा तो काम ही यही है, तो तुम्हें स्कूल की सफाई करनी चाहिए. इंडिया इज़ द लैंड वेयर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स लिव. बिफोर द गवर्नमेंट ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स आर इक्वल, बट इन दैट फील्ड ऑल्सो इक्वलिटी इज़ नॉट फाउंड. भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं. गवर्नमेंट से पहले, सरकार बनने से पहले जितने भी लोग थे वो सारे, मतलब उनके जो जो लोग डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे सब क्या थे, इक्वल थे. लेकिन उस फील्ड में भी हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी नहीं है. अगर हम कहें कि धर्म में सब धर्म के लोग एक जैसे हैं, वो धर्म के लोग जो हैं वो आपस में भेदभाव नहीं करते, तो ऐसा नहीं है. उस फील्ड में भी क्वालिटी देखने को नहीं मिलती. द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स वॉन्ट टू लिव ओनली विद द पीपल ऑफ द सेम रिलीजन. इफ़ एनी हिंदू वॉन्ट्स टू लिव इन अ मुस्लिम एरिया आर वाइस वर्सा, दे फेस डिफिकल्टी टू मिक्स विद द अदर रिलीजन एंड थिंक दैट इफ दे विल अडॉप्ट द कस्टम्स ऑफ अदर रिलीजन देन देयर रिलीजन विल बी स्पॉइल्ड और वायलेटेड. लोग जिस अगर किसी का मान लो हिंदू धर्म वाले लोग अगर मुस्लिम वाले धर्म वाले एरिया में जाके रहते हैं, तो उनको कहता कि बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी. जो लोग जिस धर्म को बिलोंग करते थे वो वहीं पे उसी वाले एरिया में रहें तो उनके लिए अच्छा रहता था. अगर वो किसी उस एरिया में रहते थे, यहाँ पर दूसरे लोग रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी. जैसे मान लो कि कश्मीर में मुस्लिम लोग ही रहते हैं ज़्यादातर, तो अगर वहाँ पे किसी और स्टेट का कोई, केरला का, ठीक है, केरला का कोई क्रिश्चियन वहाँ पे जाके रहने लग जाते हैं, या फिर हमारे जहाँ से जम्मू से ही कोई हिंदू वहाँ पे जाके रहने लग जाते हैं, तो वो लोग उनको फिर बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. वो लोग उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं. तो इससे कहता कि फिर वो भी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इनके बीच में, अगर हमने इनके धर्म को अडॉप्ट कर लिया जा, इनके कस्टम्स में हम अगर मिक्स होने लग जाएंगे, तो हमारा जो कस्टम है वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, हमारा धर्म क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा. अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू इक्वलिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वलिटी का हक देता है, ठीक है, समानता का अधिकार देता है. बट दिस डज नॉट मीन दैट इन इक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री एनी मोर. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी नहीं है. इट ओनली मीन्स दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली एस्पेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी. दिस कैन डिस्करेज द गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बट नॉट द सोसाइटी. इन डेली लाइफ वी विल स्टिल फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें अधिकार दे दिया इक्वालिटी का, लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी हमारी कंट्री में है. तो इसका मतलब यही बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ फॉर्मली इस एस्पेक्ट को, प्रिंसिपल को, ये है इक्वालिटी, इक्वालिटी का प्रिंसिपल, उसको फॉर्मली बस एक्सपेक्ट किया हुआ है. रियल सेंस में ऐसा नहीं है, रियल सेंस में इक्वालिटी नहीं है कंट्री में. तो गवर्नमेंट जो है वो तो इसको डिस्करेज करती है, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाओ, लेकिन सोसाइटी से इस चीज़ को हटाना बहुत मुश्किल है. अभी भी हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं इनइक्वालिटी के. आए दिन हिंदू मुस्लिम के दंगे होते ही रहते हैं, आप न्यूज़ में कितना सुनते होंगे. तो वो क्या है, वो एक दूसरे को अपने समान नहीं समझते, इसलिए आपस में क्या, लड़ते झगड़ते रहते हैं. नेक्स्ट देखो, इक्वालिटी एंड डिग्निटी. अब इक्वालिटी एंड डिग्निटी क्या कॉन्सेप्ट है. डिग्निटी का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट. डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट आर रिगार्ड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज कास्ट एंड रिलीजन. कि किसी इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसके रिलेटेड लेके, अपनी कास्ट और रिलीजन को लेके, धर्म और जात को लेके. व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड एज इट हैड हैपन्ड विद ओम प्रकाश वाल्मीकि व्हेन ही वाज यंगर एंड स्टडिंग इन स्कूल वेयर हिज टीचर ऑर्डर्ड हिम टू स्वीप द स्कूल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग. बिकॉज ऑफ हिज लोअर कास्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील दैट ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल. जब किसी पर्सन की डिग्निटी को हम, किसी पर्सन को हम अनइक्वली ट्रीट करते हैं, उसे अपने से छोटा समझते हैं, तो उसकी डिग्निटी जो है वो वायलेटेड होती है, ठीक है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है.
जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी हमने बताई कि उसको टीचर क्या ऑर्डर देती थी कि तुम स्कूल में पढ़ने के बजाय स्कूल की पढ़ाई करो, तो उसकी छोटी कास्ट की वजह से उसको ऐसा बोला जाता था। तो इस चीज़ से वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे बहुत हर्ट होते थे, उनकी डिग्निटी बहुत हर्ट होती थी और उन्हें ऐसा फील होता था कि वह दूसरे स्टूडेंट्स के बराबर नहीं है, वो उनके इक्वल नहीं है, वो उनसे छोटा है। द डिग्निटी ऑफ पुअर पीपल एंड द पीपल बिलोंग टू द लोअर कास्ट इज़ ऑफन वायलेटेड ड्यू टू देयर लो स्टैंडर्ड एज कम्पेयर विद अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो जो गरीब लोग होते हैं, लोअर कास्ट वालों के तो साथ ऐसे ही होता था, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ भी कहता है ऐसे ही होता है, उनकी भी डिग्निटी को ऐसे ही उनको चोट पहुंचाई जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको वो ये समझते हैं कि अगर लो कास्ट वाले हैं तो ये तो हमारी कास्ट के बराबर के हैं नहीं, और अगर ये गरीब हैं तो ये तो हमारे बराबर के हैं नहीं, तो इसलिए उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, देयर शुड बी नो फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी एंड वी शुड गिव इक्वल रिकॉर्ड टू ऑल द पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सारे कहते हैं सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिजर्व करते हैं, हमें अपने मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखनी चाहिए इनइक्वालिटी वाली, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए सोसाइटी में। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में इक्वालिटी का क्या रोल है, कैसा है? द गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी एफर्ट्स टू इंश्योर इक्वालिटी। गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट कर रही है जिससे कि वो इक्वालिटी को इंश्योर कर सके, ठीक है। एवरीवन बिलोंग्स टू एनी कास्ट रेस रिलीजन एंड एरिया इज इक्वल बिफोर लॉ एंड गवर्नमेंट। कोई भी, सभी लोग जो किसी भी कास्ट रेस रिलीजन से बिलोंग करते हों वो सारे क्या हैं, गवर्नमेंट की नज़र में और लॉ की नज़र में इक्वल हैं, कानून की नज़र में इक्वल हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस इज़ नॉट ईजी टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सभी लोगों को एक समान समझता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी जो है वो निकल चुकी है। इट डज़ नॉट, वो नहीं गई। बट इन इंडियन डेमोक्रेसी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकोगनाइज। अर्लियर देर वॉज नो लॉ टू प्रोटेक्ट द लो कॉस्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल प्रोविजन टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। तो ये जो भेदभाव वाला डिस्क्रिमिनेशन वाला होता था कि लोगों को पानी नहीं बनने दिया जाता था, ऐसा सब ये पहले के टाइम पर होता था, तब गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई पर्टिकुलर लॉज नहीं बनाए थे कि जो लोग ऐसे करेंगे उनको सजा वगैरह दी जाएगी, लेकिन अभी इस फील्ड में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस लाए हैं जिससे कि लोगों को समान अधिकार मिल पाया है। तो क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखेंगे। प्रोविजंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन लिखे गए हैं। एज वी ऑल नोन ऑल पीपल आर इक्वल इन द इंडियन डेमोक्रेसी एज इट इज ऑल्सो स्टेटेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर इज इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन डेमोक्रेसी की तरफ से सभी लोग इक्वल हैं और ये प्रैम्बल में भी लिखा गया है ऐसा कि सबको इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए। वो क्या क्या थे, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ दैट मीन्स फ्रॉम द प्रेजिडेंट टू अ डोमेस्टिक वर्कर एवरी वन हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। सभी लोग लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में एक हैं। इसका क्या मतलब है कि चाहे प्रेसिडेंट हो या कोई डोमेस्टिक वर्कर, सबको ही लॉज जो हैं वो मानने पड़ेंगे, कोई भी कानून के अगेंस्ट जाके काम नहीं कर सकता। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर रिलीजन रेस कास्ट प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर। किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो लड़का है लड़की है, कौन सा धर्म है, रेस कौन सी जाति कास्ट उनकी जाति कौन सी है, उनका रंग कैसा है, काला है गोरा है, कौन सी जगह पे पैदा हुए थे, जेंडर क्या है, तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई भी पर्सन जो है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। एवरी पर्सन हैज़ एसेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स होटल्स शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल पर्संस कैन यूज़ वेल्स रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स अवेलेबल फॉर पब्लिक। सभी लोग जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकते हैं, चाहे प्ले ग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप मार्केट, सब जा सकते हैं। सबके लिए कुएँ रोड बाथिंग गार्ड्स की फैसिलिटी जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा।
अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी जो है उसको भी एबॉलिश किया गया। अनटचेबिलिटी होते हैं शूरशात। तो पहले लोग बहुत ऐसा करते थे कि नहीं, ब्राह्मिन्स जो हैं वो शूद्रास की परछाई तक भी नहीं लेते थे, उनको छूते तक नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे कि ये तो अपवित्र हैं, हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी अबॉलिश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वेज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी, इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या तरीके गवर्नमेंट ने जो है वो अडॉप्ट किए। गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड टू मेजर टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो जो मेजर्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया है। फर्स्ट है मेकिंग लॉज, कानून बनाए। द गवर्नमेंट हैज़ मेड मैनी लॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत सारे लॉज बनाए लोगों को इनइक्वालिटी से बचाने के लिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी एक्ट। अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया गया जिसमें कोई भी इंसान जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जात के नाम पे। अगर कोई ऐसा करता मिलता है तो उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। ही आर मे बी पनिश्ड अंडर द अनटचेबिलिटी, लड़का हो चाहे लड़की हो वो अनटचेबिलिटी एक्ट के अंदर उनको सजा दी जाएगी। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स आर स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील विच रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम्स चलाए उन कम्युनिटीज़ के लिए कि जिनको कि मतलब बहुत लो समझा जाता था, और उनकी लाइफ्स को, डेली नीड्स को, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई। जैसे कि कौन सी थी, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता था कि बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी स्कूल में बच्चे थे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले, मतलब एट्थ तक जो स्कूल होते थे गवर्नमेंट के, वहाँ पे बच्चों को खाना बना के दिया जाएगा, ठीक है। फैक्ट फाइल पढ़ते हैं एक। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम इन 2001। द सुप्रीम कोर्ट मेड इट कंपल्सरी टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगेन दिस प्रोग्राम इन देयर स्टेट विद इन 6 मंथ। तमिलनाडु पहली ऐसी स्टेट थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो थी इंट्रोड्यूस की थी। फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये सारे स्कूल में इसको कंपलसरी कर दो, इस प्रोग्राम को कंपलसरी कर दो, और गवर्नमेंट ने इसको 6 महीने में पूरी सभी स्टेट में, इंडिया की सभी स्टेट्स में इसको क्या कर दिया था, इस नियम को लागू कर दिया था कि बच्चों को खाना दिया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ मिड डे मील दे देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? एडवांटेज तो काफ़ी सारे हुए इस प्रोग्राम के। जैसे कि जो गरीब बच्चे थे वो अब क्या होने लगे थे, स्कूल में रेगुलरली आने लगे थे, ठीक है, वो रोज़ स्कूल अटेंड करते थे रेगुलरली। और इससे कास्ट प्रिजुडाइज थी वो भी कम होने लगी कि लोअर और अपर कास्ट के जो बच्चे थे वो अभी साथ में इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, और जो खाना बनाने वाले थे वो भी कई टाइम पे, जो औरतें होती थी वो दलित होती थी तो वो भी खाना बनाती थी। द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल एफर्ट्स टू मेंटेन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि सबको समान काम जो है वो भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो हाई कास्ट वाले हैं वही जो हाई पोस्ट होंगी वहाँ पर जॉब ले सकते हैं, नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ भी सबके लिए एक जैसी होंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए एक जैसी होंगी। देयर इज़ स्टिल मच टू बी डन बिकॉज इन सेवरल स्कूल्स दलित चिल्ड्रन आर स्टिल डिस्क्रिमिनेटेड एंड इल ट्रीटेड ड्यू टू देयर लो कास्ट। तो मिड डे मील स्कीम चलाने से कुछ एडवांटेज तो हुए लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इनके साथ, दलित लोगों के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वो उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली कि बच्चों ने, अपर कास्ट के बच्चों ने छोटे दलित बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने से मना कर दिया, या फिर जो दलित वूमेन वहाँ पर खाना बनाती थी उसके हाथों से खाना बना खाना खाने से मना कर दिया।
सो दिस इविल कैन ओनली बी इरेडिकेटेड आफ्टर चेंजिंग अवर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स. तो ये जो बुराई है, ये स्कीम्स चलाने से या गवर्नमेंट के जबरदस्ती कुछ कानून बना देने से नहीं हट जाएगी. ये ऐसे नहीं हटेगी जब तक हम अपनी जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो सोच है, हम उसे चेंज नहीं करेंगे, सोसाइटी से ये बुराई नहीं हटेगी. वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ इल ट्रीटमेंट आर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लो कॉस्ट पीपल इज दैट एटीट्यूड्स ऑफ पीपल चेंज वेरी स्लोली. जो इसका मेन रीजन है, सबसे बड़ा मेन रीजन जो है इल ट्रीटमेंट का या फिर भेदभाव का जो लोग करते हैं, वो यही है कि हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हम वो लोगों के प्रति चेंज नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बहुत स्लोली कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे अभी चेंजेस आ रहे हैं. ऑल दो पीपल नो दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, स्टिल दैट प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन. लोगों को पता है कि भेदभाव करना लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं. दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल एन इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन. तो ये सारी इन सब चीज़ों की वजह से भी वो सबको अनइक्वली ट्रीट कर ही रहे हैं, भेदभाव चल ही रहा है. इट इज़ ओनली वेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, अ रियल इक्वलिटी कम्स अबाउट. एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यू स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया आर टू कॉन्ट्रीब्यूट. तो ये जो इविल सोसाइटी इविल है, ये बुराई जो है वो तभी ख़त्म हो सकती है जब हम लोग खुद ये सोचने लग जाएं कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, छोटा नहीं है, सभी लोग एक जैसे हैं, और हमें उनकी डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए और उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए. फिर ही ये बुराई जो है वो समाज से ख़त्म हो गई. इक्वलिटी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना एक कंटिन्यू स्ट्रगल जो है वो चलता ही जा रहा है, और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, एक अकेले आदमी के करने से ही ठीक नहीं होगा, सोचने से. इसके साथ साथ कहता है क्या करना पड़ेगा, जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी आगे आके अपना योगदान दें इसमें, डिफरेंट कम्युनिटीज़, इंडिविजुअल सभी आगे क्या करें, कॉन्ट्रीब्यूट दें इसमें, फिर ही ये इविल जो है वो सोसाइटी से ख़त्म होगा. इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज़, अब ये तो जितना अभी हमने पढ़ा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इक्वलिटी, ये होगी इंडिया की बात. अब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इक्वलिटी है या नहीं है, या ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी कंट्री में ही है कि लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो ऐसा नहीं है. जो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, बाकी संसार के जो कंट्रीज़ हैं, उनमें भी इन इक्वलिटी है, वहाँ पे भी इक्वलिटी के लिए कंटिन्यू स्ट्रगल चलता ही जा रहा है, जैसे कि श्रीलंका और यूएसए. देखो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सुपर पावर कंट्री, जो नंबर वन कंट्री है, वहाँ पे भी देखो इन इक्वलिटी को लेके ये चल रहा है, वहाँ पे भी लोग भेदभाव करते हैं. श्रीलंका का क्या प्रॉब्लम है, श्रीलंका में इनइक्वालिटी जो है वो है लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है, भाषा के बोलने पे. वहाँ पे सिन्हालाज हैं जो कि श्रीलंकन तमिल हैं और इंडियन तमिल्स हैं. तो जो सिन्हालाज हैं वो वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं, वो तमिल जो बोलते हैं, ठीक है, सिन्हालीज, जो सिन्हालीज हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, वो वहाँ वो वाली लैंग्वेज बोलते हैं. तो जो हमारे इंडियन तमिल्स हैं ये बोलते हैं इंडियन वाले तमिल्स. तो इनको बस लैंग्वेज के ऊपर ही इनके बीच में क्या है, क्लैश आता रहता है. तो सिन्हालीज जो है वो बेटेज में ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी ज़्यादा मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइडेड है. लेकिन जो इंडियन तमिल्स हैं उनके साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता है. तो श्रीलंका में भी लोग स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वल राइट्स के लिए. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब अमेरिका का, अमेरिका में सोचो क्या, किसको लेके भेदभाव है. तो यहाँ पे देखो रंग को लेके बहुत भेदभाव है, काले और गोरे को लेके यहाँ पे बहुत भेदभाव करते हैं. अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे, जो कि एंस्टर्स थे उस टाइम, उनके पूर्व जो थे वो स्लेव्स होते थे, ठीक है, दास हुआ करते थे इनके, अमेरिकन्स के अफ्रीकन जो थे वो दास हुआ करते थे. तो
तो वो वहीं पे आके जो रहने लगे, बस गए, तो वहीं से आगे उनकी रेस जो है वो चल गई। तो उन लोगों को ये क्या करते हैं, अमेरिकन जो हैं, जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों से भेदभाव करते हैं कि ये काले लोग हैं, ये अफ्रीकन हैं, ये तो हमारे दास होते थे मतलब पुराने टाइम पे, तो ये इसलिए ये तो हमसे नीचे हैं, तो इसलिए वो इस पे उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव। दिस इज डिस्पाइट दैट फैक्ट देर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो इसी को लेकर एक मूवमेंट चलाई गई थी 1950s में, जिसमें कि इक्वल राइट्स के बारे में बात किया गया था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। बिफोर दैट अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाई इक्वलिटी थ्रू लॉ। इससे पहले जो थे अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ कहता बहुत भेदभाव होता था यूनाइटेड स्टेट में, और यूनाइटेड स्टेट वाले जो थे वो उनको इक्वालिटी देने से मना करते थे। अलॉन्ग एगिटेशंस अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। तो एक बहुत बड़े एगिटेशन के बाद, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट चलाई, काफ़ी सारे उन्होंने एग्रीटेशन किया, उसके बाद जाके एक मूवमेंट जो उन्होंने चलाई थी सिविल राइट्स मूवमेंट, उनमें जाके उनको इक्वली ट्रीटेड करने का क्या मिला था, अधिकार मिले थे। सिविल राइट एक्ट हुआ था 1964 को, सॉरी, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें उन्होंने क्या बताया कि रेस पे, रिलीजन पे और नेशनल ओरिजिन पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। तो ये भी बोला गया कि उनके लिए भी स्कूल्स ओपन किए जाएं, ऐसा नहीं है कि उनको अलग से स्कूल में डाल दिया जाए, वहाँ पे अमेरिकन के बच्चे नहीं जाएंगे, सिर्फ अफ्रीकन के बच्चे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे हैं वो भी सेम स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारी मूवमेंट चली थी। अभी आप तो ये ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम पे हो रहा था और अभी इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई है, नहीं, इनइक्वालिटी अभी भी चलती ही जा रही है, इनइक्वालिटी अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अभी आप यूट्यूब पे आप अगर सर्च करोगे तो थोड़े दिन पहले ही जो वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड करके नाम का एक आदमी था, वो अफ्रीकन था, तो उसको अमेरिका वालों ने उसे मार ही दिया था ये काले गोरे की भेदभाव की वजह से, तो वहाँ पे उसको उसकी डेथ ही कर दी। तो ये अभी भी स्टिल देखो चल रहा है। अभी अमेरिका देखो इतनी सुपर पावर कंट्री है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस्ड हैं, हर चीज़ में इतने एडवांस्ड हैं, वो भी इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो इंडिया में तो ये चीज़ स्टिल देखो आप कहाँ पे होगी। तो ये जो इनइक्वालिटी है, चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है इक्वालिटी के बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज, वो देखेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ द राइट टू कास्ट द वोट एट द एज ऑफ, तो किस एज में जाके मिलता है, 18 ईयर्स आर अबव, जब 18 साल या उससे ऊपर के हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, मिड डे मील वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ, किस स्टेट में शुरू किया था, तमिलनाडु में, डी। द सिविल राइट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, कहाँ सिविल राइट मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई थी, ये भी पढ़ा, यूएसए में। अफ्रीकन अमेरिकन पीपल इन द यूएसए बट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे उनको क्या किया जाता था, भेदभाव करते थे उनके साथ, कलर एंड रेस पे, तो ए आएगा इसका। नेक्स्ट देखो, फिलअप आएंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, तो आइडिया ऑफ इक्वालिटी, इसमें आएगा इक्वालिटी। डैश इज द टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व, तो क्या टर्म थी वो, दलित, सेकेंड में आएगा दलित। द सिविल राइट एक्ट ऑफ डैश प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेचुरल क्लेमिटीज, थर्ड में आएगा 1964। फोर्थ देखो, गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल एफर्ट्स टू इंक्रीज इनइक्वालिटी ऑफ डैश, तो यहाँ आएगा अपॉर्चुनिटी। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू डैश नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेटेड एनी अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो किसके अकॉर्डिंग था, लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ। थर्ड देखो, ट्रू और फॉल्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू दलित पीपल रिगार्डिंग इक्वालिटी इन इंडिया, फॉल्स, ऐसा नहीं है, उनको प्रॉब्लम्स हैं। सिविल राइट्स
मूवमेंट इन द यूएसए वॉज स्टार्टेड इन 1950s, फॉल्स 64 में शुरू हुआ था। थर्ड देखो, डिग्निटी रेफर्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट आर रिगार्ड ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ इज कास्ट एंड रिलीजन। ट्रू। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज द राइटर रिलेटेड टू द अपर कास्ट। फॉल्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। ट्रू। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये आपने मतलब एक दो वर्ड में या एक लाइन में इसका आंसर बताना है। तो ये आपने पूरा लेसन पढ़ ही लिया है तो उसमें से आप ये क्वेश्चंस खुद भी कर सकते हैं। बाकी जो आप खुद ट्राई करना। मेंशन द थ्री काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। तीन काइंड्स बताओ इक्वालिटी के, तो वो भी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है, ये भी एक लाइन का आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय दलित, दलित कौन होते हैं। डिग्निटी बताओ। अनटचेबिलिटी एक्ट क्या है। मिड डे मील क्या था। सिविल राइट एक्ट 1964 के बारे में बताओ। मेंशन टू वेज द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी। तो ये सारे आप बुक से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। बाकी इनके आंसर जो है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।